जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेस्ट बुक CSIR नेट प्लेटफॉर्म पर। मैं कौशल सारस्वत, फैकल्टी ऑफ फिजिकल साइंस, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में हमेशा रहता है कि यार एग्जाम हमारा आने वाला है, सिर्फ और सिर्फ 2 महीने बचे हैं, 60 दिन हमारे पास में है, और इन दिनों में हम किस तरीके से करेंगे फिजिकल साइंस की तैयारी। और आपके दिमाग में हमेशा से एक चीज ये भी रहती है कि यार नेट निकलना तो हमारे लिए एक एलिजिबिलिटी की बात है, लेकिन अगर JRF निकल जाएगा तो हमें मिलेगी उसके साथ में 35,000 की फेलोशिप। तो उस फेलोशिप को पाने के लिए हम सभी करते हैं थोड़ी सी और ज्यादा मेहनत। और वो और ज्यादा मेहनत आपकी कब आती है? वो आपको तब मिलता है जब आप स्मार्ट तरीके से अपने नोट्स भी बनाते। तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम JRF क्वालिफाई करने के लिए फिजिक्स के लिए नोट्स बनाएं। चलिए देखिए, देखते हैं कि किस तरीके से हमें यहां पर नोट्स बनाने के लिए क्या करना होता है। सबसे पहले तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि हमारे माइंड में सिर्फ एक ही सवाल रहता है, यार नोट्स कैसे बनाने हैं, है ना। हमारे पास है बहुत सारी किताबें होती है, बहुत सारा कंटेंट हमारे पास में होता है, ग्रेजुएशन की 9 बुक्स जो है वो हमारे पास में ग्रेजुएशन में होती है, क्योंकि 3 बुक्स जो है वो हमारे पर ईयर का हिसाब होता है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि हर सेमेस्टर में हमारे पास में 4 फिजिक्स हमारे किसमें होती है, MSc में होती है। तो उसके साथ में हमारे 16 सब्जेक्ट जो है वो हमारे किसमें हो जाते हैं, MSc में हो जाते हैं। 16 पार्ट्स हमारे हो जाते हैं, और टोटल जो सब्जेक्ट होते हैं सर वो होते हैं हमारे 9, और 9 के 16 पार्ट हमारे MSc में जाके बन जाते हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी टेंशन की बात हो जाती है, क्योंकि हर एक बुक अपने आप में एक बहुत बड़ी बुक होती है ना, और उसमें से कुछ ही टॉपिक्स को निकालना होता है। अगर उन टॉपिक्स के नोट्स अगर आपके पास में है तो आप आसानी के साथ में CSIR नेट JRF को क्वालिफाई कर लेते हैं। लेकिन उससे भी एक शॉर्ट मेथड है हमारे पास, अगर आप उस तरीके से यहां पर नोट्स बनाएंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। जैसे मैं इस चीज को फॉलो करता हूं, आप सबसे पहले एक काम कर सकते हैं, नोट्स बनाने से पहले आप एक काम करिए, आप सबसे पहले 2010 से लेकर के 2022 तक जो भी आपके एग्जाम हुए हैं, इन सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर ले लो, और आपको जितने भी यहां पर इस एग्जाम के आपको क्या करने हैं, PYQs यहां पर सर्च करने हैं। और जब आप PYQs को टॉपिक वाइज देखते हो ना, तो यहां पर हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास में क्या क्या टॉपिक होते हैं। जैसे हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे पहला सब्जेक्ट है हमारा मैथमेटिकल फिजिक्स। मैथमेटिकल फिजिक्स के बाद में हम लोग पढ़ते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स के बाद में हम लोग आते हैं क्वांटम मैकेनिक्स पर, ठीक है ना। क्वांटम मैकेनिक्स के बाद में हम लोग देखते हैं EMT, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इसके बाद में हम लोग देखते हैं स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, ओके। इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं एटॉमिक एंड मॉलिकुलर फिजिक्स। इसके बाद में हम लोग फोकस करते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स पर। इसके बाद में हमारा रहता है सबका फेवरेट न्यूक्लियर फिजिक्स, ओके। और सबसे लास्ट में आपका आता है इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके। तो ये हमारे 9 फिजिक्स के पार्ट हमारे CSIR नेट फिजिक्स में पूछे जाते हैं। जब हम इन सभी के PYQs को यहां पर डिस्कस करते हैं, तो जैसे मान लीजिए आपने मैथमेटिकल फिजिक्स को सीरियसली पढ़ा और आपने देखा कि उसमें 10 टॉपिक्स हैं, लेकिन उसके 10 टॉपिक्स को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन सी जिसमें आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन बी जिसमें आपका 3.5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। अब आपको ये देखना है कि कौन से ईयर में कौन से क्वेश्चंस बार बार आपसे पूछे गए हैं। जैसे इसमें कुछ टॉपिक्स आपके ऐसे हैं, अब इसके लिए मैं आपके लिए नई एक वीडियो लेकर के आऊंगा कि आखिर हमें कौन से टॉपिक पढ़ने हैं जिससे हमारा आसानी से JRF हो सकता है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि हमें नोट्स कैसे बनाने हैं। तो नोट्स के लिए आपको क्या करना है कि जो आपके रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और नॉन रिपीटेड क्वेश्चंस भी हैं, अर्थात जो क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, आप उन्हीं के नोट्स बनाना यहां से शुरू कर सकते हो। क्योंकि आपने पूरी डिटेल में थ्योरी तो ग्रेजुएशन और मास्टर्स में पढ़ रखी है, अब आपके पास में इतना वक्त नहीं होता है कि आप एक प्रॉपर सब्जेक्ट को
अभी पढ़ेंगे। तो आप क्या करेंगे, आपको बेसिक नॉलेज होती है, उस बेसिक नॉलेज से आपको क्या करना है, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना है कि कौन से टॉपिक्स के कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, और उन्हीं के बेसिक पर आपको नोट्स यहां पर बनाने हैं। और अगर मैं बात करूं तो मैं पूरे मैथमेटिकल फिजिक्स के जो नोट्स हैं वो हमारे 20-25 पेजेस में बन जाएंगे, और इसी के हिसाब से अगर मैं यहां पर 20 से देखूंगा तो मेरा 200 पेजेस में आपकी कंप्लीट फिजिक्स यहां पर तैयार हो जाती। जी हां, 200 पेजेस में आपके टोटल कंप्लीट नोट्स बन जाते हैं, और इन नोट्स में सिर्फ क्वेश्चन ही, आपके कॉन्सेप्ट ही नहीं, उसके साथ में आप क्वेश्चंस भी लिख लेंगे जो आपके रिपीट होते हैं, क्योंकि CSIR नेट में तकरीबन 25% आपका पेपर रिपीट मोड पे आता है, जिसमें से 10% एज इट इज क्वेश्चन और 15% क्वेश्चंस का सिर्फ डेटा चेंज होता है। तो इस तरीके से आप अपने नोट्स बना सकते हैं, और आप क्या कर सकते हैं, अपना JRF भी क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके लिए टेक्स्ट बुक आपके लिए इसी प्लेटफॉर्म पर मैं आपके लिए क्लास लेकर के आता है, जिसमें शाम को 9 बजे आपकी फिजिक्स की क्लास होती है, जहां पर हम PYQs कर रहे हैं, और उन PYQs को ही हम टारगेट कर रहे हैं जो आपके रिपीट मोड पे आते हैं। उनके कंसेप्ट और थ्योरी के साथ में हम सारा डिटेल में एक्सप्लेनेशन करते हैं शाम को 9 बजे, और ये क्लास आपको टेक्स्ट बुक पर ही मिलती है। इसी के साथ टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर के आए हैं एक बहुत ही अच्छा सुपर समर सेल ऑफर। इस ऑफर को भी आप यहां पर जीत सकते हैं, एक गोवा की ट्रिप। और इस गोवा की ट्रिप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो कोर्स 15,999 का कोर्स है वो सिर्फ आपको मिलने वाला है 5,249 रुपए में। और ये सिर्फ कब मिलेगा, जब आप एक कूपन कोड यूज करेंगे, और वो कूपन कोड सर आपका यहां पर क्या होगा, कोई मुझे बताएगा? यस, आपका कूपन कोड होगा यहां पर कौशल पास। तो आप ये यहां पर कूपन कोड यूज करेंगे जिसका नाम है कौशल पास, जिसमें आपको 15,999 का कोर्स सिर्फ मिलेगा 5,249 में। और आप इसको जब कोर्स परचेज करेंगे तो लकी ड्रॉ में अगर आपका नाम निकलता है तो आपको मिलेगी एक गोवा की फ्री ट्रिप। तो गोवा की ट्रिप भी मिलेगी, कोर्स भी फ्री आपको एक बहुत अच्छे डिस्काउंट पे मिल रहा है, और नोट्स बनाने के तरीके भी आपको मिल रहे हैं, और YouTube पर फ्री क्लास भी आपको मिलती है शाम को 9 बजे मेरे साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, खुश रहें, मस्त रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।